गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग जूलॉजी पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं लोग, ठीक है। और इसके अंदर हमने थ्री पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है, यानी कि पैरामीशियम का लोकोमोशन, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो लोकोमोशन और न्यूट्रिशन पढ़ लिया था, ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू रेस्पायरेशन और एक्सक्रेशन, ठीक है। और यह मतलब कि 5-6 पार्ट तक जाएगा। चलिए, तो आज पढ़ेंगे बाबू रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, देखिए रेस्पायरेशन, आपको पता होगा कि रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। रेस्पायरेशन जो होता है हमारे सेल के अंदर होता है, रेस्पायरेशन जो होता है वह सेल के अंदर होता है, लेकिन वहीं ब्रीदिंग जो, देखिएगा बाबू, ब्रीदिंग कहाँ पे होता है, तो वह जिस एनिमल के अंदर, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर लंग्स है तो उसके अंदर ब्रीदिंग होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है, ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर क्या होता है, तो ब्रीथिंग भी होता है और रेस्पायरेशन भी होता है। लेकिन वहीं अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात किया जाए, पैरामीशियन, अमीबा, ठीक है, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका अगर बात किया जाए, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का बात किया जाए, तो उनके अंदर क्या होता है बाबू, तो उनके अंदर केवल रेस्पायरेशन होता है, क्योंकि उनके अंदर लंग्स मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी देखेंगे हम लोग केवल रेस्पायरेशन होता है इसके अंदर। तो रेस्पायरेशन में देखिए, O2 लेगा और CO2 छोड़ेगा, O2 लेगा, O2 का यूज करेगा, फिर CO2 बनेगा और CO2 को बाहर करेगा। तो किस रास्ते से O2 को लेता है और किस रास्ते से CO2 को बाहर करता है, तो वह रास्ता जो है वह है पेलिकल। और पेलिकल है क्या, तो मेम्ब्रेन है। पैरामीशियम के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, तो पेलिकल कहते हैं, यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। तो पैरामीशियम का जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग कहते हैं पेलिकल। तो पेलिकल के रास्ते क्या होता है, O2 अंदर जाता है और CO2 बाहर आता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो आपको पता ही होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन के थ्रू ही क्या होता है, O2 और CO2 यानी गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। गैस है ना, CO2 और O2, तो गैसियस एक्सचेंज जो होता है डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और यह जो मेम्ब्रेन होता है, जो पेलिकल होता है, वह सेमी परमीबल होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो देखिएगा, O2 जो होता है, O2 जब अंदर जाएगा तो वह कार्बोहाइड्रेट से ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। O2 जब अंदर जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट से ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा बाबू, तो ATP बनाएगा और CO2 बनाएगा, ठीक है। ATP बनाएगा और क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। ATP क्या है, तो इनर्जी है। ATP क्या है बाबू, तो इनर्जी है। और इनर्जी का यूज पैरामीशियम कर लेगा और CO2 को बाहर कर देगा। तो ये अभी CO2 कैसे निकलेगा, तो डिफ्यूजन के थ्रू, तो ये भी डिफ्यूज करेगा, यानी कि पेलिकल के रास्ते डिफ्यूज होकर बाहर आएगा CO2। तो एक तरह से CO2 जब बाहर आ रहा है तो उसको एक्सक्रेशन भी कह सकते हैं, जो कि इसके अंदर ये दिया हुआ है, एक्सक्रेशन भी उसको कहा जा सकता है। एक्सक्रेशन में और क्या चीज आता है, तो एक टॉक्सिक मटेरियल बनता है हम इसके अंदर, पैरामीशियम के अंदर, जिसका नाम है अमोनिया, जो कि नाइट्रोजन का एक पार्ट होता है। तो अमोनिया जो होता है यह भी क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू बाहर आता है पेलिकल के रास्ते। अगला देखिए, ओस्मो रेगुलेशन अब पढ़ेंगे बाबू, ठीक है। ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ये देखिए, वाटर, देखिए पैरामीशियम जो होता है कहाँ पे पाया जाता है, तो वाटर में पाया जाता है। तो वाटर जो होगा, इसके आसपास में जो भी वाटर होगा, वह वाटर क्या होगा, इसके अंदर इंटर कर रहा होगा, प्रवेश कर रहा होगा। तो वाटर इसके अंदर जब प्रवेश करेगा तो साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जब इसके अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो वह अफेक्ट डालेगा पैरामीशियम के ऊपर, ठीक है, यानी कि उसको मतलब कि जितने सारे ऑर्गेनल होंगे उसको डिस्टर्ब करेगा, साइटोप्लाज्म को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए कौन सा इसके अंदर पार्ट होता है, जिससे मतलब कि वाटर लेवल जो होता है वह कम हो जाता है, इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिएगा, वाटर इंटर द साइटोप्लाज्म थ्रू पेलिकल, ठीक है। वाटर जो है, वाटर कहाँ से इंटर करेगा, तो पेलिकल से, यानी कि जो मेम्ब्रेन है उसी से इंटर करेगा, जो झिल्ली है उसी से इंटर करेगा। सम वाटर टेकन थ्रू द फूड वेक्यूल, ठीक है। इसमें से कुछ वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है, तो जो फूड वेक्यूल होता है वह, फूड वेक्यूल कल पढ़ाए थे न्यूट्रिशन में, ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। उसके अंदर क्या पढ़ते हैं हम लोग, कि जो फूड वेक्यूल होता है उसके अंदर फूड का डाइजेशन होता है। अब फूड का डाइजेशन के लिए क्या चीज चाहिए, तो एंजाइम चाहिए, और एंजाइम के साथ साथ वाटर भी चाहिए। तो वाटर यहाँ से मिल रहा है इसको, ठीक है, लेकिन यह बहुत कम मात्रा में वाटर लेता है, ठीक है। अभी भी साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर ज्यादा है जो कि डिस्टर्ब कर रहा है साइटोप्लाज्म को, ठीक है। तो इसको अब देखिए, अब अगला लाइन देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर
इन साइटोप्लाज्म आर इंक्रीज विच कॉज डिस्टर्ब द साइटोप्लाज्म ऑफ पैरामीशियम। ठीक है, तो यहां पे क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर साइटोप्लाज्म इज इंक्रीज। ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो वाटर का होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, साइटोप्लाज्म पैरामीशियम का जो साइटोप्लाज्म होता है वह डिस्टर्ब होता है। ठीक है, अगला है एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव्ड बाय द टू कॉन्ट्रेक्टाइल वेहिकल। ठीक है, तो इसके अंदर दिया हुआ है कि वाटर जब इसमें ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो उसको कम कौन करेगा, रिमूव कौन करेगा। ठीक है, रिमूव कौन करेगा, तो वह कॉन्ट्रेक्टाइल वेहिकल रिमूव करता है जिसका संख्या दो होता है, एक और दो। ठीक है, तो यह दोनों कॉन्ट्रेक्टाइल वेहिकल क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और मतलब ऐसे कहा जा सकता है कि वाटर को रिमूव करता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोले थे इसको पिछले लेक्चर में क्या बताया था, कॉन्ट्रेक्टाइल वेहिकल जो होता है वाटर को कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल कर ही रहा है। ठीक, अगला देखिए, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर आर कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। और देखिए वाटर को रिमूव करना है मतलब यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, वाटर को कम किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। और ओस्मो रेगुलेशन का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, किसके द्वारा हो रहा है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वेहिकल के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक, रिप्रोडक्शन जो है इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में देखिएगा इसको, क्योंकि रिप्रोडक्शन के अंदर देखिए पहला जो पार्ट है वह है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, और सेकेंड वाला जो पार्ट है वह है कंजुगेशन। ठीक है, तो इसलिए यह जो वीडियो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को इस वीडियो के अलावा एक और वीडियो बनाया है पार्ट फाइव प्रोडक्शन, ये जो चल रहा है ये लास्ट ही टॉपिक है, इसके बाद से आपका पैरामीशियम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।